आ गया है वो समय, अब तुम्हें डुबकी लगानी होगी। ठीक उसी समय डुबकी लगाना जिस समय चांद पर चंद्र ग्रहण लगेगा। चंद्र ग्रहण लगते ही तुम्हें डुबकी लगा देनी है। तैयार हो ना? हाँ हाँ गुरुदेव, मैं तैयार हूँ, बस आप इशारा करो, मैं वही करूँगा। ठीक है फिर। वो देख, चंद्र ग्रहण शुरू हुआ। अब तू चला जा पानी के अंदर और डुबकी लगा। आ जाओ अब तुम बाहर, तुम्हारी इतने दिनों की तपस्या सफल हो गई बच्चे, तुम्हारे हाथ लग गई है वो जादुई शक्ति। आ जाओ बाहर। ये लो, तुम इससे जो मांगोगे तुम्हें वो मिलेगा। लेकिन कालू याद रखना, मैंने तुम्हें कहा था कि जब भी इसका इस्तेमाल करो सिर्फ भलाई के लिए ही करना, वरना और किसी चीज के लिए नहीं करना। मुझे याद है गुरुदेव, मैं वैसा ही करूँगा, आप परेशान मत होइए। लगता है इस बूढ़ी अम्मा का दिमाग खराब हो गया है, कुछ भी सोच रही है और कुछ भी बोल रही है। आज के समय में क्या ऐसा कुछ होता है? चलो इस पतीले को लेकर चलता हूँ घर। माँ, ओ माँ, बाहर निकलो। अरे क्या है कालू? अरे वाह, तुम मेरे लिए पतीला ले आया? अरे वाह, लेकिन ये पतीला तो बड़ा सुंदर है, लेकिन बहुत बड़ा है बेटा, इसका तो अच्छा दाम लिया होगा। अरे माँ, एक बूढ़ी अम्मा मिली थी, पता नहीं क्या बड़बड़ बड़बड़ कर रही थी, उसने एक खिलौने के बदले में ये पतीला दे दिया मुझे। देखो कालू, अब वो वक्त आ गया है, तुम्हारे वर्षों की तपस्या अब हो जाएगी परिपूर्ण और तुम बन जाओगे शक्तिशाली। हाँ महाराज, मैंने बहुत दिनों तक इंतजार किया है, इसी दिन का इंतजार था महाराज। हाँ लेकिन शक्ति पाकर तुम भूल नहीं जाना, बस अब 5 दिन, 5 दिन में अमावस्या की रात होगी और लगेगा चंद्र ग्रहण। जैसे ही चंद्र ग्रहण लगेगा वैसे ही तुम्हें शक्तियाँ मिलनी शुरू हो जाएगी। मेरे बच्चे तुम तैयार रहना, अब बस तुम्हें अंतिम उपाय करना होगा और इसके बाद तुम्हें सारी शक्तियाँ मिल जाएंगी। हाँ महाराज, मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा, आप जो कहेंगे मैं वो मानने के लिए तैयार हूँ और वही करूँगा जो आप मुझसे करने को कहेंगे। ठीक है फिर, तू तैयार रह। जी क्या कर रहे हो? अरे तुमसे छुपा हुआ है क्या? समोसे तल रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ? आपको कितनी बार कहा है कि आप ये ठेला में ले जा कर जो बेचते हैं इसमें ज्यादा परेशानी होती है आपको, आप क्यों नहीं बाजार में ही एक दुकान खोल लेते हैं? अरे पगली, पैसे लगते हैं पैसे, यूं ही दुकान मिल जाता है क्या? तुझे क्या लगता है
2 रुपए लेकर जाऊंगा और एक दुकान मिल जाएगा। दुकान के लायक पैसे भी तो होने चाहिए। मैं सब समझती हूँ, आप तो कमाते अच्छा हो लेकिन आप लुटा देते हो, जिसकी वजह से हमारे पास पैसे जमा नहीं होते। अरे मैं कुछ लुटाता उटाता नहीं हूँ। अरे किसी को कुछ जरूरत रहेगी तो तुम नहीं दोगी क्या? नहीं, पहले अपने घर की जरूरत देखेंगे बाद में। अच्छा अच्छा ठीक है, अब जरा टोकरी लाओ, मुझे लेकर निकलना है, ज्यादा देर हो जाएगी। ये लो, ला दिया। गौरी मैं जा रहा हूँ, ठेले पर मिलूंगा, अगर कोई काम हो तो ठेले पर आ जाना, वरना शाम को ही आऊंगा। अच्छा ठीक है, जाओ आप। अरे भैया भैरव, तुम्हारे हाथ के समोसे नहीं खाए तो दिन नहीं निकलता है। हाँ भाई ये लो तुम्हारे समोसे। अरे भैरव मुझे नहीं खिलाएगा। अरे अरे मीनू मौसी, तुम्हें नहीं खिलाऊंगा तो किसे खिलाऊंगा? अरे लेकिन आज मेरे पास पैसे नहीं है। अरे मौसी कोई बात नहीं है, जब होंगे तब दे जाना। और अगर नहीं दिया तो? अरे तुम्हारी मर्जी, सोच लूंगा कि एक धर्म का काम करा। अच्छा तो 2 समोसे दे दे मुझे। देख भाई भैरव, ये जो तू दान धर्म करता है अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सोच समझ कर, कहीं ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाए। अरे ऐसी बात क्यों कर रहे हो गुन्नू भैया, कोई बात हुई है क्या? अरे बात हुई है तभी मैं कह रहा हूँ, अभी मैं राजा की मुनादी सुनकर आ रहा हूँ। अच्छा क्या कहा राजा जी ने? राजा की मुनादी में ये कहा गया कि हो सकता है अगले महीने हमारे यहाँ सूखा पड़े, और अगर सूखा पड़ेगा तो फिर सोच लो क्या हो सकता है। अरे ये क्या कह रहे हो? हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ, वही कह रहा हूँ जो तुम सुन रहे हो। अरे ये तो बहुत ही बुरा हुआ है, अब क्या करूँ, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। टोकरी तो तुम्हारी खाली है लेकिन चेहरे पर 12 बजे हुए हैं, क्या सोच रहे हो, कुछ परेशानी है क्या? भैरव ने सारी बात गौरी को बता दी। मैं इसीलिए आपको कहती थी, पैसे बचाओ, पैसे जोड़ कर रखो ताकि असमय हमारे काम आए, लेकिन आपने मेरी कोई बात ही नहीं सुनी। अरे भैया अब तो पता नहीं जिंदगी कैसे चलेगी। अरे सुनो 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 गांव के पंछियों, सुनो, सब मीटिंग में इकट्ठा हो जाओ, पंचायत बुलाई गई है। चलो भाई चल के देखते हैं क्या होता है। अरे गांव वालों देखो, स्थिति तो देख ही रहे हो, गांव में भयानक सूखा पड़ा है, लेकिन अब एक उपाय निकालना होगा ताकि हम ज्यादा से ज्यादा दिन तक जिंदा रह पाए। कहा जा रहा है कि कभी न कभी चीजें ठीक होगी, लेकिन तब तक हमें जिंदा रहना होगा। क्या कर सकते हैं आप ही बता दो। हाँ हाँ मुखिया जी आप ही बताइए, आपके मन में क्या चल रहा है? देखो यहाँ पर जितने घर हैं
सब अपने घर से कुछ कुछ लाओ और एक जगह इकट्ठा होकर हम खाना बनाएंगे और उसी खाने को थोड़ा थोड़ा खाएंगे ताकि हम सब जिंदा रह सकें। अकेले अकेले भर पेट खाना खाने से कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। ये बात तो मुझे भी ठीक लग रही है। हाँ भैया, मुझे भी यही बात ठीक लग रही है। हाँ हाँ, मुझे भी लग रही है, ऐसा ही करते हैं। अब मुखिया जी, ऐसा ही होगा, आप परेशान मत हो। आ गया है वो समय, अब तुम्हें डुबकी लगानी होगी। ठीक उसी समय डुबकी लगाना जिस समय चांद पर चंद्र ग्रहण लगेगा। चंद्र ग्रहण लगते ही तुम्हें डुबकी लगा देनी है। तैयार हो ना? हाँ हाँ गुरुदेव, मैं तैयार हूँ, बस आप इशारा करो, मैं वही करूँगा। ठीक है फिर। वो देख, चंद्र ग्रहण शुरू हुआ। अब तू चला जा पानी के अंदर और डुबकी लगा। आ जाओ अब तुम बाहर, तुम्हारी इतने दिनों की तपस्या सफल हो गई बच्चे, तुम्हारे हाथ लग गई है वो जादुई शक्ति। आ जाओ बाहर। ये लो, तुम इससे जो मांगोगे तुम्हें वो मिलेगा। लेकिन कालू, याद रखना, मैंने तुम्हें कहा था कि जब भी इसका इस्तेमाल करो सिर्फ भलाई के लिए ही करना, वरना और किसी चीज के लिए नहीं करना। मुझे याद है गुरुदेव, मैं वैसा ही करूँगा, आप परेशान मत होइए। अरे अब क्या होगा, सब कुछ खत्म हो गया है, सिर्फ ये पानी है। अब क्या, हमारे मरने के दिन आ गए पास, क्या हम मारे जाएंगे? अरे मुझे मरने से बहुत डर लगता है, मुझे नहीं मरना है। अरे क्या बात है, आप लोग सारे यहाँ भीड़ लगा कर क्यों जमा हुए हो? कौन हो भाई तुम? मैं इस गांव का नहीं हूँ, लेकिन आप अपनी समस्याएं मुझे बता सकते हैं, शायद मैं आपकी समस्याओं को दूर कर दूं। अरे हमारी समस्याओं को तो जल्दी कोई दूर नहीं कर पाता है, फिर भी अगर तुम दूर कर पाओ तो बहुत अच्छा होगा। ये कह के मुखिया बाज सूखे की सारी बात बतला देता है। अच्छा तो आप लोग यहाँ पर खाना बना रहे हैं सभी के लिए? अब खाना क्या बनेगा, यहाँ तो पानी है बस और कुछ नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं है, अभी खाना आ जाएगा। अब तुम लोग खाना खाओ, जितना खा सकते हो खाओ और जितने दिनों तक खा सकते हो खाओ। इतना कह के कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। कई सारे दिनों तक गांव के पंछी उसी खाने को खाते रहे। फिर एक दिन बारिश शुरू हो गई और गांव के पंछी अब खुश हो गए, उनके खेत फिर से लहलहाने लगे और कढ़ाई की जादुई शक्ति भी खत्म हो गई। अब वापस से सारे पंछी काम पे लग गए। Thank you.
अरे वाह बेटा वाह, कितने सुंदर खिलौने बनाए हैं। ये खिलौने तो बहुत सुंदर हैं। ये तो हाथों हाथ बिक जाएंगे, इतने अच्छे खिलौने, बड़े सुंदर हैं। अरे माँ, ये खिलौने मैंने देखा था, पास के गांव में एक बड़ा मेला लगा था तब मैंने देखा था, और उस खिलौने वाले से खिलौने खूब बिक रहे थे। मुझे समझ में आ गया और मैंने सोचा गांव जाऊंगा तो ऐसे ही खिलौने बनाऊंगा, इन खिलौनों को बेचकर हमें अच्छी आमदनी होगी। अरे बेटा, अगर अच्छी आमदनी हो ना तो मुझे एक पतीला ला देना। ये देखना, इस पतीले में ना छेद हो गया है, मैं काम भी नहीं कर पाती हूँ, क्या बनाऊंगी। तू मेरे लिए अच्छा पतीला लाएगा ना तो मैं उसमें अच्छे अच्छे पकवान खिलाऊंगी तुझे। अरे माँ, ऐसी बात है तो मुझे तो हंसी आ रही है, अच्छे पकवान सिर्फ पतीले से बनते हैं क्या? माँ, अच्छे पकवान के लिए मछली चाहिए, अंडा चाहिए, दूध चाहिए, पनीर चाहिए, अच्छी चावल चाहिए, वो कहाँ से आएगा? अरे तू तो ना हमेशा सिर्फ गलत ही सोचता है, अच्छी बातें क्यों नहीं सोचता है? अच्छा अच्छा माँ, मैं समझ गया, देखूंगा। आज अगर खिलौने बिक जाते हैं तो तुम्हारे लिए एक पतीला लाना है, मैं वो पतीला ला दूंगा, तुम परेशान मत हो। माँ, मैं जा रहा हूँ बाजार। ठीक है बेटा, जा। अरे भाई, अच्छे अच्छे खिलौने हैं, खिलौने ले लो, बच्चों के लिए खिलौने ले लो। अरे काले कलमुहे खिलौने बेच रहा है। अरे मौसी, ले लो ना खिलौने। अरे मेरी उम्र क्या खेलने वाली है जो मैं खिलौने लूंगी, मैं तो यूं ही चली आई थी, देखा तुझे यहाँ बैठे हुए तो। अरे मौसी क्या बोलूं, आज तो बड़ा बुरा दिन रह रहा है, एक भी खिलौने नहीं बिक रहे हैं। अरे बिक जाएंगे बिक जाएंगे। अरे कोई तो खिलौने ले लो, खिलौने ले लो भैया, बहुत अच्छे खिलौने हैं। अरे अम्मा, इतनी रात गए यहाँ इस रास्ते में क्या कर रही हो? ये रास्ता बहुत सुनसान है, कहीं तुम्हारे लिए कोई समस्या ना हो। अरे बेटा, पतीला बेचने आई थी लेकिन बाजार तक नहीं पहुंच पाई। एक पतीला है मेरे पास, इसे खरीदेगा तो खरीद ले। अरे अम्मा, आई तो तुम बड़े अच्छे मौके पर हो, लेकिन क्या करूं अम्मा, पूरे दिन मैंने इंतजार करा, मेरा एक भी खिलौना नहीं बिका है। मैंने सोचा था कि अपनी माँ को पतीला खरीद कर दूंगा, लेकिन खिलौना ही नहीं बिका अम्मा। अरे कोई नहीं, तू ही ले ले ये मेरा पतीला। अरे अम्मा, तुम्हारा पतीला मैं नहीं ले सकता, मैंने बताया ना अम्मा, मेरे पास एक भी रुपया नहीं है। अरे कोई नहीं, तू एक खिलौना दे दे मुझे और फिर ये पतीला ले ले। अरे अम्मा, एक खिलौने के बदले में इतना बड़ा पतीला, ये घाटे का सौदा नहीं है। अरे कोई घाटे का सौदा नहीं है, इसे लेकर तो जा, तुझे सब पता चल जाएगा।
अच्छा ये लो अम्मा, लेकिन ये फतीरा लेने से क्या होता है अम्मा? मेरे घर में वैसे ही गरीबी छाई हुई है, इतने बड़े पतीले में मैं बनाऊंगा क्या? अरे तुझे जो चाहिए होगा सिर्फ इस पतीले को आँच पे चढ़ा देना, उसके बाद इसकी करामात देखना। लेकिन कभी लालच नहीं करना, लालच करोगे तो फिर मुसीबत में फंसोगे। अरे लगता है इस बूढ़ी अम्मा का दिमाग खराब हो गया है, कुछ भी सोच रही है और कुछ भी बोल रही है। आज के समय में क्या ऐसा कुछ होता है? चलो इस पतीले को लेकर चलता हूँ घर। माँ, ओ माँ, बाहर निकलो। अरे क्या है कालू? अरे वाह, तू मेरे लिए पतीला ले आया? अरे वाह, लेकिन ये पतीला तो बड़ा सुंदर है, लेकिन बहुत बड़ा है बेटा, इसका तो अच्छा दाम लिया होगा। अरे माँ, एक बूढ़ी अम्मा मिली थी, पता नहीं क्या बड़बड़ बड़बड़ कर रही थी, उसने एक खिलौने के बदले में ये पतीला दे दिया मुझे। अरे एक मिट्टी के खिलौने के बदले में पतीला? हाँ माँ, अब देखो इसमें तुम्हें जो पकाना है जाकर पकाओ। माँ एक बात कहूँ? हाँ हाँ बोल ना। माँ वो कह रही थी अम्मा कि इसमें सिर्फ आँच में डालकर जो कुछ मांगोगे वो मिलेगा, लेकिन अच्छे से मांगना क्योंकि जो मांगोगे वही मिलेगा। अरे ऐसा कहा उसने? अम्मा मैं तो सोच रहा था वो बूढ़ी अम्मा सठिया गई है, कुछ भी कह रही है। अरे नहीं बेटे, ऐसी चीजें होती हैं। आजकल तुम लोग बच्चे यकीन ना करो, लेकिन ऐसी चीजें होती हैं। चलो देखते हैं। हे पतीला, भर भर कर मुझे बिरयानी दे दो। अरे माँ ये तो बड़ी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। हाँ बेटा, ये जादुई पतीला है, हमारे तो भाग्य खुल गए हैं। जी ऐसा लग रहा है कुछ कालू कौवे के घर में पक रहा है। बड़ी अच्छी सुगंध है जी, चलो ना चलकर देखते हैं, खाएंगे वहाँ पे। अरे क्या बात करती हो, उस कालू कौवा, उसके पास तो खाने के दाने नहीं है, वो भिखारी, उसके यहाँ से खुशबू नहीं आ सकती है। अरे आ रही है, देखो तो सही। हाँ आ तो रही है, चलो तो चलो देख। अरे भाई कालू, तुम्हारे घर से बड़ी अच्छी अच्छी महक आ रही है। काकी मुझे नहीं खिलाओगी? अरे आओ भैरव, आओ गौरी, आओ बेटा, बैठो बैठो, क्यों नहीं खिलाऊंगी। जा कालू दो प्लेट में बिरयानी ले आ। ये लो भैया, ये लो भाभी। अरे वाह वाह क्या स्वाद है, क्यों गौरी? हाँ जी बहुत ही अच्छा स्वाद है, लगता है जैसे एकदम से जादुई खाना हो। अरे मुझे तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, इन भिखारियों के पास अच्छे अच्छे खाने की खुशबू कैसे आ रही है। गौरी तुम जरा पता लगाओ। हाँ जी मैं पता लगा के रखूंगी। अजी उनके पास एक जादुई पतीला है। अरे तो फिर हम उस पतीले को चुराएंगे।
अरे गौरी, अब तुम बोलो, मछली और चावल मंगवाओ एकदम बढ़िया सा। जो मंत्र बोला था काकी ने वही मंत्र बोलो। अच्छा अच्छा, मैं अभी कहती हूँ। पतीले मछली चावल दे दे, लगता है ये मंत्र नहीं था। पतीले भर भर के दे दे, इतना दे दे मैं डूब जाऊँ, ये कमरा डूब जाए, खूब खाना दे दे। अरे कोई है, बचाओ! अरे बचाओ बचाओ, अरे बचाओ, अरे बचाओ, कोई है, बचाओ! अरे माँ, ये पतीला कहीं गया था क्या? अरे नहीं, कहाँ जाएगा, यहीं होगा। अरे माँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भैरव के घर पे लगता है जैसे खाने की वजह से पूरा घर बर्बाद हो गया है। अरे ये तो अच्छा नहीं हुआ, अब तो गांव वाले तरह तरह की बातें करेंगे। हाँ माँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है, हमें अब यहाँ से पतीला लेकर निकल जाना चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो। और दोनों माँ बेटे पतीले लेकर वहाँ से निकल जाते हैं।